हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी दीपा मैम डिवाइन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आप हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में तीन वर्णों वाले शब्दों का मौखिक अभ्यास करेंगे। बच्चों, ओपन करिए पेज नंबर 7, तीन वर्णों वाले शब्द। तीन वर्णों वाले शब्द यानी कि तीन अक्षर से मिलकर बने शब्द। चित्र पहचानिए और पढ़िए। अब आपको पहले चित्र पहचानना है, उसके बाद इन शब्दों को पढ़ना है। लेकिन इन शब्दों को पढ़ने के लिए आपको चित्र को देखकर शब्द को बोलना है, ऐसा नहीं करना है। आपको चित्र तो देखना ही है, पहचानना ही है, लेकिन इन शब्दों को अक्षर पहचानने के साथ अच्छे से अक्षर मिलाकर पढ़ना है। इसका अभ्यास आपको करना है। चित्र पहचानिए और पढ़िए। यह चित्र मगर का है। मगर, मगर। महल, महल। मटर, मटर। कमल, कमल। कलश, कलश। कलम, कलम। पुनः एक बार पढ़ेंगे। मगर, महल, मटर, कमल, कलश और अंत में कलम। ठीक है, आइए अब कुछ और शब्दों को भी पढ़ेंगे। परंतु इनके चित्र यहाँ नहीं दिए हुए हैं, इन्हें बस आपको खूब अच्छे से अक्षर पहचानते हुए बोल बोल कर पढ़ना है। बच्चों, म द न मदन, भ ज न भजन, प व न पवन, न य न नयन। मदन, भजन, पवन, नयन। अगर, अगर। मगर, मगर। नगर, नगर। ड ग र डगर। अगर, मगर, नगर, डगर। नमक, नमक। चमक, चमक। दमक, दमक। रमक, रमक। नमक, चमक, दमक, रमक। अटक, अटक। मटक, मटक। चटक, चटक। ल टक, लटक। अटक, मटक, चटक, लटक। चहल, चहल। पहल, पहल। दहल, दहल। महल, महल। चहल, पहल, दहल, महल। पहन, पहन। बहन, बहन। दहन, दहन। गहन, गहन। पहन, बहन, दहन, गहन। करम, करम। धरम, धरम। नरम, नरम। गरम, गरम। करम, धरम, नरम, गरम। एक बार पुनः पढ़ेंगे, परंतु इस बार मैं अक्षर से अक्षर मिलाकर नहीं पढ़ूंगी। मैं इन शब्दों को सीधे पढ़ के आपको बताऊंगी कि आप इस तरह भी पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। मदन, भजन, पवन, नयन। अगर, मगर, नगर, डगर। नमक, चमक, दमक, रमक। अटक, मटक, चटक, लटक। चहल, पहल, दहल, महल। पहन, बहन, दहन, गहन। करम, धरम, नरम, गरम। इन शब्दों को पढ़ने के साथ अब आपको शब्दों से, तीन वर्णों वाले शब्दों से बनने वाले वाक्यों को पढ़ना है। बच्चों, जहाँ पे आपको तीन शब्द मिलाकर एक वाक्य पढ़ना है या चार शब्द मिलाकर भी आपको वाक्य यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन शब्द मिले हुए हैं। मदन, भवन, चल। मदन, मदन। भवन, भवन। चल, चल।
मदन भवन चल, और यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम लगने से आपको वाक्य को पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुककर अगले वाक्य को पढ़ना होता है। न म न नमन, क ल म कलम, पकड़ पकड़, नमन कलम पकड़। सड़क सड़क, पर पर, मत मत, टहल टहल, सड़क पर मत टहल। चमन चमन, अकड़ अकड़, मत मत, चमन अकड़ मत। समझ समझ, कर कर, पढ़ पढ़, समझ कर पढ़। अजय अजय, गलत गलत, मत मत, पढ़ पढ़, अजय गलत मत पढ़। कमल कमल, बहस बहस, मत मत, कर कर, कमल बहस मत कर। अमन अमन, भजन भजन, कर कर कर, अमन भजन कर। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मदन भवन चल। परंतु आपको इन शब्दों को, इन वाक्यों को याद नहीं करना है, आपको इन्हें रटकर नहीं पढ़ना है, आपको इन्हें अक्षर से अक्षर मिलाकर पहचान कर ही पढ़ना है। परंतु इन्हें अगर आप ऐसे भी पढ़ना चाहें सीधे एक बार में, तो ऐसे पढ़ने का अभ्यास भी आप कर सकते हैं बच्चों। मदन भवन चल, नमन कलम पकड़, सड़क पर मत टहल, चमन अकड़ मत, समझ कर पढ़, अजय गलत मत पढ़, कमल बहस मत कर, अमन भजन कर। ठीक इसी तरह से पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों।